हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो हमने आज ये सट्टी बना रखी है। आप देखिए, नीचे जूते रखने के लिए स्पेस है और ऊपर बैठने के लिए। तो कैसे इसको बनाया है, इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप बने रहना, इस वीडियो में सारी डिटेल आपको मिलेगी, क्या क्या सामान इस्तेमाल हुआ है और कितना टाइम इसको बनने में लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मैं ढांचा ठोकते हुए वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डायरेक्टली मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ढांचा ठोकने के बाद इसका क्या साइज़ है और किस तरह से हमने इसको बनाया है, ये पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। इसमें ये फट्टे हमने जो काटे हुए हैं, इनका साइज़ बता देता हूँ। पिछले वाला जो फट्टा काटा है हमने, ये 4 फुट में 1 इंची कम है, यानी कि 47 इंची का है चौड़ाई में, और ये वाला 15 इंची का है पूरा पूरा, और लंबाई में ये 16 इंची है। तो ये साइज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये लंबाई में 16 इंची है। इसके बाद हमने क्या किया, पीछे वाला फट्टा 4 फुट में 1 इंची कम कर लिया था, और फिर जब हमने किनारे वाले दोनों फट्टे ठोके, 4 फुट हो गया। नीचे वाला भी सेम साइज़ में हमने काट रखा है, और फिर 4 इंची की पट्टी 18 mm की, ये हमने देखी लंबी लगा दी पूरी, 4 इंची की 18 mm, और एक खड़ी करके जॉइंट लगा दिया हमने इसमें ना। पीछे से 6 mm की पट्टी भी ठोक रखी है, और उसके बाद हमने 12 mm की प्लाई का ही बॉर्डर बना दिया। ये पूरा 12 mm प्लाई में बना हुआ है, तो 12 mm की प्लाई का बॉर्डर बना के चौड़ा किया, और पीछे हमने 1 इंची नीचे करके बॉर्डर लगाया। देखिए ये, देखिए ये हमने पदाम बना रखा है, इसका ऊपर का ढक्कन टिकेगा इसमें। तो इतना ही था इस ढांचे में, इतना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डायरेक्टली नीचे भी 12 mm है, साइड में भी 12 mm, पीछे भी 12 mm है। ये देखिए, नीचे से मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, कीलो से हमने सीधे सीधे रोका हुआ है इसको। आसानी से आप इसको ठोक के बना लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इतना करने के बाद हमारा ढांचा बनके तैयार हो जाएगा। आपने कीलें अच्छी तरह से इसमें लगानी है पक्का करके, और फेविकॉल का भी भरपूर इस्तेमाल करना है। ये 12 mm का था, इसलिए मैंने सामने से टक्कर इसकी मोटी कर दी, जो डबल हो गई है। इसके बाद हमने इसका ऊपर का ढक्कन काट लिया, ये थोड़ा थोड़ा लूज ही बनाना है आपको, और जिधर गद्दी लगी मैंने लिख दिया है गद्दी, ताकि हमें याद रहे उल्टा ना हो जाए ढक्कन। इसी तरह से आपको भी निशान लगाते हुए चलना है, थोड़ा ढीला ही रखना है उसको। इसके बाद यहाँ पे इसमें सेल्फ आएगी बीच में, सेल्फ से ही रहेगा कि जूते आपके ज़्यादा आ पाएंगे इसमें ना। ये किस तरह से लगानी है, इसमें कुछ ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको बीच में निशान लेके इस तरह से बटन ठोक देना है। प्लाई के भी ठोक सकते हैं, अलपत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स ही रहना है। तो मैंने सीधा बटन ठोक दिए, इसके बाद भी अगर सेल्फ निकालना चाहें तो ऊपर से निकल जाती है वो। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये बटन फिक्स करने के बाद हमने सेल्फ काट के इस पर रख दी है। यहाँ आप चाहें तो साइड से कीले लगा सकते हैं, अगर पत्ती लगा रखी है तो स्क्रू लगा सकते हैं, लेकिन ये फोल्डेबल रहेगी इजीली, निकालना चाहो बाद में निकाल भी सकते हैं कुछ बड़ा सामान रखने के लिए। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, मैं बाद में इसमें नीचे से अगर चाहूँ तो स्क्रू भी लगा सकता हूँ और पत्ती भी लगा सकता हूँ, ताकि ये फिक्स हो जाए, लेकिन मैंने इसको इसी तरह रखा हुआ है, कभी भी निकाल पाएंगे इसको। जूते जब आप इसमें रखेंगे तो नीचे ऊपर दोनों तरफ स्पेस मिलेगा। लगभग ढांचा हमारा कंप्लीट है। इस तरह से आप ढांचा बनाएंगे, कोई अगर आपको समझना है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं स्पेसिफिक उस जगह का वीडियो बना के या फिर कमेंट में आपको डिटेल एकदम बता दूंगा। ढांचा लगभग कंप्लीट है हमारा, अब हमें सिर्फ इसके पल्ले काटने हैं। पल्ले मैंने काट लिए हैं, और 12 mm के ही पल्ले काटे हैं, और ये देखिए कब्जे वाली साइड मैंने 12 mm और ठोक दी, ताकि कब्जे के स्क्रू लगाने के लिए जगह मिल जाए। और आप देखेंगे थोड़ा टेपर भी मैंने दिया हुआ था उसमें। ये कब्जे भी काट के रेडी कर लिए हैं, अब हमें सिर्फ अपने अलमारी पे लगा देने हैं जो हमने शेट्टी बनाई है। यहाँ पर देखिए एक पल्ला लगा के मैं देख रहा था, लेकिन आपको क्या करना है, लगाने से पहले इन पे सनमाई का लगा देना है, और ये लगेंगे कैसे वो भी मैं आपको पूरी डिटेल इसमें बताऊँगा। पहले हम सनमाई का लगा लेते हैं। सनमाई का मैंने लगा दिया है, बीच में जॉइंट है, तो मैंने सनमाई का जॉइंट पर सिकंजा लगा दिया ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये सनमाई का चारों तरफ लगाया है, इसमें पीछे नहीं लगाया है, मतलब 3 साइड लगाया है, फ्रंट में और दोनों साइडों में। पीछे हम इसमें पेंट करेंगे डीको पेंट फिनिशिंग के साथ। लगभग हमारा सनमाई का लग के पूरी रेडी है। सेफ्टी सेफ्टी बोलते हैं इसको, या छोटा दीवान भी बोल सकते हैं। टेप उतार लिया है मैंने सूखने के बाद, एक दिन इसको सूखने में लगा मेरा। इसके बाद हमने रिकमाल से फिनिशिंग कर ली, अच्छे से सफाई कर ली इसकी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये पल्ले जो हमारे थे, हमने इन पे नंबर डाल लिया था पहले ही। दोस्तों आपको भी क्या करना है, नंबर डाल लेना है। एक नंबर देखिए मैंने डाला हुआ है, इस पर मैंने 2 डाला हुआ है,
इस पर मैंने 3-4 डाला हुआ, तो जब आप काटेंगे आपको तभी नंबर डाल लेना है। और एक कब्जे 6 फुट का कब्जा आता है, 7 फुट का भी आता है, मैंने 6 फुट वाले में से टुकड़े निकालने हैं कब्जों के। अब मैं इसको लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगाते हैं। इसमें लगाना बहुत ही आसान है। देखिए मैंने टेपर दे, जब हम 3D कब्जे लगाते हैं उनमें टेपर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन कब्जों में आपको हल्का सा इस तरीके से टेपर देना पड़ेगा, वरना आपका पल्ला बैक मारेगा। ऐसा टेपर आप दे देंगे तो पल्ला बैक नहीं मारेगा। कब्जा किस तरह से लगाना है आपको, आपको पूरा कब्जा पीछे की साइड उल्टा मोड़ लेना है, ऐसे उल्टा पूरा, और पीछे की साइड सटा के उसे स्क्रू लगा देने हैं। आपके जितने भी गड्ढे उसमें हो रखे हैं, किनारे किनारे से स्टार्ट करना है आपको। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने एक स्क्रू लगाया, इसके बाद देखिए डायरेक्टली दूसरे किनारे में स्क्रू लगाऊंगा। ये हमारा दूसरा स्क्रू लगाया, और बाकी जो बीच में गड्ढे हैं वहाँ पे मैं बाकी स्क्रू भर दूंगा। आपके उसमें 3 आ रहे हैं तो आप 3 लगा दें, 4 आ रहे हैं 4 लगा दें, जितने गड्ढे आएंगे उतना आप स्क्रू लगा के भर देना। कई बार क्या होता है किनारे में गड्ढा दूर पर रहता है, तो आपको ड्रिल से होल करके गड्ढा बना लेना है, ईजी है। ये हमारा पल्ला रेडी हो गया है, कब्जा बिल्कुल सीधा आ गया है। अब हम इसको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, मैं कैमरा इधर घुमा देता हूँ थोड़ा ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये मैंने बेड के ऊपर रख लिए है, आपको भी ऊपर रख लेनी है क्योंकि अभी इसमें पाए नहीं लगाए, तो थोड़ा सा काम करने में ईजी रहता है, ठीक है। ऊपर नीचे बैठ के आप सही से काम नहीं कर पाएंगे और लगा नहीं पाएंगे, खड़े होकर काम करना और भी ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये मैं कैमरा थोड़ा सा सही कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखाई दे। अब हमें वही जिप्सम स्क्रू इस्तेमाल करना है, 1.5 इंची वाले, 1/2 इंची के भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह है 1/2 इंची की, तो 1/2 इंची इस्तेमाल करूँगा। देखिए आपको जितना गैप देना है उतना पल्ला नीचे करके बिल्कुल सटा के 180 डिग्री पूरा खोलना है, और स्क्रू लगाना है एक। अभी दूसरा लगाना, पहले बंद करके आपको देख लेना है कि आपके ग्रुप मतलब जो झीरी आपने जो गैप दिया था वो ठीक आ रहा है बराबर या नहीं आ रहा है। आपको लगे कि बराबर है बिल्कुल ठीक है तो आप उसको नीचे की साइड भी पेंच लगा दें। ये दूसरा पेंच मैंने लगा दिया। ये वाले पल्ले लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, 3D वाले पल्लों में कब्जों में दिक्कत इतनी नहीं होती, तो ये एक बार लग जाते हैं तो वहीं पे फिक्स रहते हैं, इनमें हम एडजस्ट नहीं कर सकते ऊपर नीचे, एक बार लगाने के बाद वो वहीं पर जाम हो जाता है। तो देखिए पल्ला हमारा लग गया है, फिक्स हो गया है सारा ग्रुप, और जो इसके झीरी काटी थी बिल्कुल सही बराबर आई है। ये हमने एक कंप्लीट किया है, इसी तरह बाकी दूसरा तीसरा चौथा सारे पल्ले हम लगाएंगे। ये देखिए पहले नंबर का पल्ला इस तरीके से लगाया मैंने, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अभी अंदर जा रहा है क्योंकि मैग्नेट नहीं लगी पीछे से ना, बाद में अंदर नहीं जाएगा वो। ये चारों दरवाजे हमारे लग के रेडी हो गए। देखिए अब दिख रही है सिटी कि हमारा कुछ काम हुआ है, कंप्लीट लगभग होने को जा रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब पल्लों को खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। ये देखिए अंदर सेल्फ दिखाई दे रही है, आराम से जूते आपके दोनों तरफ आएंगे इसमें। अब हम इसमें हैंडल और मैग्नेट लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने इसमें हैंडल और मैग्नेट लगानी की वीडियो आपको दिखाई नहीं है, इजी है बहुत दोस्तों। अगर कभी दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं आपको दिखा दूंगा लगाते हो कैसे लगाते हैं। हैंडल मैग्नेट लगाने के बाद सेफ्टी हमारी रेडी हो गई। अब ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से पे हम टेप लगाएंगे, PVC टेप, SR या हीटेक जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उससे लगा सकते हैं। तो मैंने SR से देखिए PVC टेप लगा दी है, सामने की ये वाली टक्कर और नीचे वाली टक्कर बिल्कुल सनमाइका से मैच होती हुई, और ऊपर की सामने वाली टक्कर पे भी लगाई है। पीछे 12 mm वाली टक्कर पे मैंने लगाई नहीं, उस पर हम फिलिंग करके पॉलिश कर देंगे क्योंकि अंदर मैं इसमें डीको पेंट मारने वाला हूँ, और पेंट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मैंने अंदर बाहर पेंट कर दिया इसमें, देखिए खोल के भी दिखा देता हूँ, देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है पेंट का। ये कंप्लीट हो गई हमारी पेंट का काम। अभी इसमें पाए नहीं लगाए मैंने, पाए लगाएंगे और ऊपर ढक्कन पे गद्दी भी लगेगी। ऊपर का जो ढक्कन मैंने आपको पहले बताया था ना, उस पर गद्दी मैंने लिखा हुआ था, तो ये देखिए गद्दी उस पर मैंने चिपका के रखी है, सिर्फ इस पर कपड़ा चढ़ाना है। तो कपड़ा चढ़ाने के बाद देखिए दोस्तों जो हमारी सेट्टी है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। नीचे 3 इंच के प्लास्टिक के PVC के पाए आते हैं, वो मैंने लगाए हैं,
और ऊपर नीले कलर का इसमें कपड़ा चढ़ा है स्वेट का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।